गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम अनुराग दीक्षित है और आप सभी देख रहे हैं माय पाठशाला। तो एसएससी ने एक और शानदार खबर दे दी है। शानदार खबर यह है कि जिन भी बच्चों के लिए अभी भी कुछ शंका थी, उनके लिए एसएससी एक और एग्जाम करा दे रहा है। एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट 11 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। एसएससी इस वक्त बिल्कुल फायर की माफिक काम कर रही है, यानी पुष्पा है वो झुकेगा नहीं। तो उसी तरीके एसएससी भी इस तरीके काम कर रही है, जो है एसएससी कहती है कि मैं झुकेगा नहीं इस बार से। तो आप देखिए कि कल की डेट में 6 मार्च 2023 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये आपका हेडक्वार्टर नंबर है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड द पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ कमीशन फला फला फला। अब यहां से आपको दिखेगा एडवर्टीजमेंट नंबर फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट के लिए 11वीं फेज का इन्होंने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। देखिए नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, ई चालान की डेट क्या होनी चाहिए, कब तक एग्जाम होने की संभावनाएं हैं, सारी बातें यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो है, फॉर्म को भरने की जो ऑनलाइन डेट्स है, वो 6/3/2023 से, यानी कि कल से, 6 मार्च 2023 से 27 मार्च 2023 तक की रखी गई है। 27 मार्च 2023 तक को आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड द टाइम फॉर द रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की जो अंतिम तिथि रखी गई वो 27 मार्च 2023 को रात में 11 बजे तक, अप टू 23.00 का मतलब रात में 11 बजे तक आप फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अगली बात ये कहता है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, फीस पेमेंट करने की जो ऑनलाइन तिथि रखी गई है, आखिरी दिन उसकी तिथि रखी गई है 28 मार्च 2023 को रात में 11 बजे तक। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूं, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन चालान जनरेट करने की जो है लास्ट अंतिम तिथि भी 28 मार्च 2023 रात 11 बजे तक। लेकिन आप 28 मार्च 2023 को रात 11 बजे तक इंतजार ना करिएगा, आप उससे पहले ही इन सब चीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे कहता है, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, ये भी वही बात कही गई है कि 29 तारीख तक बैंक के वर्किंग आवर्स में। अब आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि बैंक के वर्किंग आवर्स में आपको अपना ये ई चालान बनवा लेना है, और बैंक अब जो है सैटरडे और संडे ऑफ रहेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये श्योर कर लीजिएगा कि 29 मार्च को सैटरडे ना पड़े, क्योंकि उस दिन अब बैंक बंद रहा करेंगे। आगे कहता है, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, आपके फॉर्म में अगर कोई करेक्शन आपको करना है तो उसके लिए तिथि निर्धारित करी गई है 3 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक। अगर आप फॉर्म में अपना कोई करेक्शन इंक्लूड करना चाहते हैं कि DOB गलत लिख गई है, या किसी भी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है EWS वगैरह उसमें कुछ करेक्शन करना है, तो मेक श्योर कि आप 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक उसको कंप्लीट करके सही ढंग से, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप इसको सही करके डाल दीजिए। अपडेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो इसका CBE होना है, उसकी जो प्रस्तावित तिथि है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो प्रस्तावित तिथि रखी गई है, मैं आपको बताऊं तो इसकी प्रस्तावित तिथि को रखा गया है जून जुलाई 2023। टेंटेबली तिथि है कि एक निर्धारित तिथि से पहले एक जो डेट दे दी गई है कि जून से जुलाई 2023 के बीच में सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का एग्जाम आपको करा दिया जाएगा। अच्छा, इससे पहले क्या है, अभी आप सभी लोग जानते हैं कि 9 मार्च से SSC CHSL के एग्जाम होंगे, उसके बाद MTS के एग्जाम भी लाइन में लगे हुए हैं। MTS एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली शायद 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 10 अप्रैल या मिड अप्रैल से मैं कह सकता हूँ शुरू हो जाएगा, और उसके खत्म होने के तुरंत बाद SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का आपको एग्जाम जून जुलाई में देखने के मिलेगा। तो भाई तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करिए, और इस तैयारी के लिए बस सिंपल सी छोटी सी बात है कि आपके लिए माई पाठशाला पर डेली आपको क्लासेस मिल रहे हैं, और क्लासेस में जो मैथ्स के क्लास की टाइमिंग है, मैथ्स के क्लास की टाइमिंग आपको डेली शाम को 6 बजे से मिल रही, तो डेली शाम को 6 बजे उपस्थित होकर अपनी तैयारी को थोड़ा सा बूस्टअप दीजिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की क्लास रात में 8 बजे से होती है, शाम 8 बजे से होती है, तो यहाँ आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में अपनी कमांड को अच्छा करने के लिए डेली क्लास में जुड़े। शाम को 6 बजे से डेली मैथ्स की क्लास होती है और शाम को 8 बजे से डेली इंग्लिश की क्लास होगी, तो सभी लोग इसमें जुड़ना ना भूलें, और सिलेक्शन पोस्ट में अपने फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।